नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सरकार ऐसे गरीब और असहाय परिवार की बेटियों के हाथ पीला कराना चाहती है जो किसी कारणवश बेटियों की शादी करा पाने में असमर्थ है, जिसको लेकर जनपद गाजीपुर में 14 नवंबर को लगभग 500 से ऊपर सामूहिक शादियां कराई गई। वहीं इन शादियों में विभाग की मिलीभगत का नज़ारा भी देखने को मिला। मनिहारी ब्लॉक में जहां 110 रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें से 53 फर्जी दुल्हा और दुल्हन निकले। यह सब हुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद। इसको लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह ने क्या बताया, आप खुद ही सुने। लोग पहले की शादी कर लिए हैं, पैसा लेने के लिए कुछ दलाल टाइप के कुछ कर्मचारी मिल के ये काम करते हैं कि पैसे जो 20,000 मिलते हैं उसी में से कुछ बंदरबांट करने के लिए जिसकी शादियां हो गई होती है उसी को बुला के वहाँ बैठा के दोबारा शादी करा के उनको उस तरह का धन आवंटित करते हैं। उसी में से कुछ कर्मचारी कुछ जो बीच के दलाल होते हैं बिचौलिए वो लेते हैं, और जो जिनकी दोबारा शादी होती है वो ले लेते हैं। इस तरह की 2-3 बार से हमारे ब्लॉक में हो रही थी, तो हमने उस पर हस्तक्षेप नहीं, पहले तो हम नहीं किए। फिर गहन अध्ययन करने के बाद इस बार जब शादियों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन में हमने देखा, पता किया, हमने इनसे समाज कल्याण अधिकारी से शिकायत जब की हमने, तो बाबू से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि नहीं सर, मेरे यहाँ नहीं होता। तो हमने कहा नहीं सर, मेरे यहाँ फर्जी तरीके की शादी हो रही थी, इस पर आप जाँच पड़ताल करें, अन्यथा इस पर हम कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि शादी सारी की सारी जो फर्जी होंगी वो रोकी जाएंगी। जब हमने शादी की उनसे लिस्ट मांगी किसी तरह, तो शादी के कर्मचारियों ने शाम होते होते लिस्ट दिया एक दिन पहले शाम को। जो हमने गांव में घूम अथवा फ़ोन मिला के हर गांव में पता किया, जैसे हमारे क्षेत्र पंचायत होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं, कुछ लोग जो परिचित होते हैं, प्रमुख 97 गाँव हैं, हर गाँव से जुटा हुआ होता है, तो फ़ोन करके जब पूछा कि ये लोग शादी करा लिए, कि इन लोगों की नई शादी होनी है, तो लोगों ने बताया नहीं, इनकी तो पहले के साल 2 साल पहले की शादी हो गई है, किसी ने प्रेग्नेंट है, किसी के पास बच्चे हैं, इस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। जब इस तरह का हमको पता चला तो हमने फिर CDO से बात की, PD से बात की, जो हमारे यहाँ के BDO हैं, इन लोगों से बात किया, देखिए सर ऐसी शादी होगी तो इस पर हम फिर धरना प्रदर्शन, हम और अपनी पत्नी को लेकर जो हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं, दोनों लोग हम लोग बैठेंगे। हमारी पत्नी भी आपत्ति कर रही थी, लेकिन महिला होने के नाते ये लोग बात सुनते नहीं हैं सही तरीके से, तो हम पत्नी के साथ हमने कहा ठीक है, अब की बार हम भी चल रहे हैं, हस्तक्षेप करेंगे, मानेंगे नहीं, गलत है, मुख्यमंत्री की मंशा के खिलाफ काम जो हो रहा है। इसमें जैसे 110 शादियाँ थी, 110 में से हमने शाम को पूछा तो इन लोगों ने 57 शादियाँ बता रही थी। 57 शादियाँ में भी अभी फिर से अगर जांच किया जाए तो उसमें भी शादियों में गलत शादियाँ हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और परियोजना निदेशक से जब इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। इसमें जो है 110 फॉर्म आए थे हमारे पास और उनकी शादी होनी थी, किंतु पता चला कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व में शादीशुदा हैं या गलत हैं, उनको जांच कराया गया। जांच कराने के बाद जो फर्जी पाए गए उनको बाहर कर दिया गया, और जो सही पाए गए उनको बैठाया गया, उनकी शादी कराई गई। दो सर, जांच क्या मतलब, पहले से जांच कराई गई या शादी के दिन जांच कराई गई थी? नहीं, उसमें पहले से भी कुछ जांच हुई थी, लेकिन उन लोगों ने चूँकि बीच में शादियाँ नहीं हुई थी तो लोगों ने जो काफ़ी समय बीत गया तो लोग शादी कर लिए थे, तो उस समय तो पात्र थे क्योंकि समय से शादी नहीं हुई पहले, और बाद में शादियां हुई तो चूँकि उनकी शादी हो चुकी इसलिए उनको अपात्र माना गया और उनको हटा दिया, क्योंकि शादी उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी शादी नहीं करा गई। सर, पात्र और अपात्र की जानकारी कब और कैसे? पात्र और अपात्र की जानकारी लोगों ने बताया कि इसमें बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन सर, जब विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो क्या उस समय कोई जांच बिना जांच किए हुए किया जाता है या कैसे? रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, इसके बाद जांच होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ EDO समाज कल्याण द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरती गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई है।